तो दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कई लोग मुझसे पूछते आ रहे हैं कि ये बीसीडी टेक है क्या, आप कौन हो और आप क्या काम करते हो, तो फिलहाल मैं उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इसमें कोई भी पिक्चराइजेशन नहीं होगी, ये सिर्फ मेरा वो व्हाइट बोर्ड और मेरा मार्कर है जिसमें आपको मैं समझा रहा हूँ। तो बीसीडी टेक है, पहले तो मैं चैनल के बारे में बता देता हूँ, उसका नाम का जो पूरा फुल फॉर्म है क्या। हालांकि आप देख सकते हो कि बीसीडी टेक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, बीसी और डी, तो ये मेरे नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा जो पूरा नाम है बीसी, आगे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, फिलहाल आप मेरा सरनेम छोड़ दीजिए, मेरे से दोनों इनिशियल पर ध्यान दीजिए। तो डॉक्टर बीसी, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट कर रखी है इसलिए मेरा नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो इसलिए मैंने इस चैनल का नाम बीसी या डीबीसी ना रख के, क्योंकि डीबीसी कोई कॉमन सा नेम हो जाता है, तो मैं इसको यूनिक बनाना चाहता था, तो मैंने डी को पीछे कर दिया और इसको बीसीडी बना दिया। तो ये है मेरे बीसीडी चैनल के जो नाम आप सुनते आ रहे हो उसका पीछे की कहानी। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरा नाम दर्शा रहा है, डॉक्टर बीसी जो मेरे नाम को बताता है। हालांकि मैंने यहाँ पर मेरा इनिशियल खो दिया है क्योंकि वो इस सीक्वेंस में कहीं नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये तो हो गया बीसीडी के चैनल के बारे में। तो टेक, क्योंकि मैं टेक्निकल रिव्यूज करता हूँ, तो इसलिए मैंने इसके पीछे टेक लगा दिया है। और फिलहाल मेरा प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के बारे में सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मैं प्रोफेशन से टीचिंग करता हूँ, टीचिंग हायर एजुकेशन में टीचर हूँ। हालांकि मैं कुछ सरकारी संस्थान को नहीं बिलोंग करता हूँ, फिलहाल मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन में टीचिंग करता हूँ, काफ़ी बड़ी क्लासेस को पढ़ाता हूँ। और फिलहाल मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं कहाँ काम करता हूँ और मेरा जो बेसिकली क्या पूरा वर्क है, इसको मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे जो प्रोफेशन है वो मुझको इजाजत नहीं देता कि मैं आपको कैमरे के सामने आपको आपको रिप्रेजेंट करूँ या आपको दिखाऊँ। हालांकि ऐसा कोई मेरे प्रोफेशन से या मेरी टीचिंग जो मैनेजमेंट है उनसे मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं, फिलहाल मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशन में हूँ तो मैं आऊँ और मैं सिर्फ यूट्यूब में अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनकी वजह से मैं पैसे कमाऊँ या उनकी वजह से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊं, मैं कभी नहीं चाहता। तो इसलिए मैं कैमरे में नहीं आना चाहता हूं। हालांकि जो मैं इस कॉलेज में पढ़ाता हूं, उस कॉलेज में करीबन करीबन 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, तो 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े मायने रखते हैं मेरे चैनल के लिए। तो मैं फिलहाल इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ कि ये जो 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे से इंटरेक्ट होते हैं, वो सिर्फ मेरी शक्ल को देख के, मेरे को देख के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ढूंढ पाएं तो उनकी किस्मत है, तो फिलहाल मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं कभी भी कैमरे में नहीं आता। हालांकि मैं आपसे वादा करता हूँ, जब इन भविष्य में कभी भी मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूँ, हालांकि मैं अभी फिलहाल टीचिंग प्रोफेशन को नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा जो पैशन था टीचिंग की तरफ को वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर जिस दिन ये फुलफिल हो जाएगा तो उस दिन मैं इसको टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ दूंगा, तब तो हालांकि मैं आपको फिर कैमरे के सामने दिख जाऊंगा और अच्छा डायरेक्ट वार्तालाप करते हुए आपसे। तो ये तो हो गया मेरे प्रोफेशन की तरफ। और तीसरा, मैं YouTube में क्यों हूँ? हालांकि आप मेरे नाम से जान चुके हो क्योंकि मैं डॉक्टर बीसी लिखता हूँ अपने नाम के आगे, तो डॉक्टर बीसी का मतलब मेरा नाम है ये, तो डॉक्टर मतलब कि मेरे कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं PhD होल्डर हूँ। PhD मतलब अब डॉक्टरेट है, डॉक्टर इन फिलोसफी। तो मैंने साइंसिस में डिग्री गेन की है, साइंसिस में मेरा जो स्पेशलाइजेशन था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं क्या बनाता था, LEDs को फैब्रिकेट करता था। जो LEDs आप मार्केट में व्हाइट LEDs देखे हो ना, उन LEDs को मैंने फैब्रिकेशन किया। हालांकि जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ करके, मैं व्हाइट LEDs में वर्क करता था। मैंने LEDs को चिप लेवल से, मतलब कि एक वेफर लेवल से, मटेरियल लेवल से एक LED को बनाते हुए देखा है, और फिलहाल मैंने अपने हाथों से इन LEDs को भी बनाया है। और दूसरा जो मेरे काम था वो था मेरा ट्रांजिस्टर्स को फैब्रिकेट करना। जैसे जो ट्रांजिस्टर्स आप सुनते आ रहे हैं ना कि NPN ट्रांजिस्टर्स होते हैं, PNP होते हैं, और इस हिसाब से कहते हैं BJT, ये तो BJTs की कैटेगरीज होगी, ऐसे कहते हैं FETs। तो FETs में मैं काम करता था, MOSFETs की टाइप ही डिवाइसेस होती थी, तो उन ट्रांजिस्टर्स पे मैं काम करता था, सेम उसी मटेरियल से जिस मटेरियल से LEDs बनी होती हैं। तो हालांकि जिनको पता है मैं कौन हूँ वो समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ करके, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा इन डिटेल नहीं समझाना चाहता हूँ। हालांकि मेरे जो PhD रिसर्च वर्क था इन दोनों चीज़ों के ऊपर था। इसके सिवा सिवा मैंने रिसर्च में एक IC की फेब्रिकेशन पूरे अपने हाथों से की तो नहीं, पर मैंने देखी है, स्टेप जानता हूँ। मैंने इसके सिवाय सिवाय डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारी कंप्यूटिंग, बहुत सारे काम किए, कंप्यूटर में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन की। और जो मेरा मेन पैशन था, जो मेरा मेन पैशन था, तो वो मेरा मेन पैशन था, मैं बचपन से ही क्लास, अगर मैं देखा जाए तो क्लास 5th 6th से ही मेरे में अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरह से कीड़ा घुस गया।
और जो मेरी पॉकेट मनी बनती थी, हालांकि हमारे ऐसा तो होता नहीं कि वो पॉकेट मनी स्पेसिफाई होती थी, हालांकि कुछ भी अगर मेरे को मिलता था तो मैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ले लेता था, पीसीबी लेता था, उस पर फैब्रिकेशन करता था। तो मैं फिलहाल जो सबसे पहले मैंने अगर डिवाइस बनाई भी होगी तो वो एक तरह से 555 टाइमर के ऊपर मैंने जो एलईडी लाइट होती है ना, ब्लिंकिंग लाइट्स जिससे भी चलती हैं, तो उस सारी टाइप की सर्कल वाली लाइट्स को मैंने खुद फैब्रिकेट किया था। क्लास 10th की बात सुनो, क्लास 10th मैंने की थी करीबन करीबन 1990, क्लास 7 की थी मैं 1997 में। तो क्लास 10 की ही टाइम पर ही मैं इतना ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हो चुका था कि मैं लोगों के टीवी, जो घर के गैजेट्स होते थे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए, ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, फ्रिज हो गए, ये आपके टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, मोटर्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें को रिपेयर कर लेता था। और ये मेरी पार्ट टाइम जॉब भी हुआ करती थी जिसके द्वारा मैं कुछ पॉकेट मनी भी कमा पाता था। तो फिलहाल ये था मेरा 1997 का बैकग्राउंड। मैंने 2002 तक मैंने बीएससी कंप्लीट कर ली थी अपनी। तो बीएससी में मेरे मेन सब्जेक्ट थे पीसीएम, तो पीसीएम से मेरे को काफ़ी अच्छा ऑनर भी मिला, मैंने काफ़ी कॉलेज में टॉप भी किया था, मेरे पास इन सब की डिग्रीज भी हैं, तो मैं कॉलेज टॉपर था अपने उस टाइम का। तो पीसीएम में और फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, हालांकि मैं देखा जाए तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू मार्क्स को अगर कंपेयर किया जाए। तो उसके बाद मैंने 2004 में मास्टर डिग्री कंप्लीट की, मास्टर इन साइंस फ्रॉम फिजिक्स। आप समझ पा गए हो कि मैं फिजिक्स से मास्टर साइंस था, वो मेरा गोल्ड मेडलिस्ट वाला था, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की थी उस समय, मुझे गोल्ड मेडल मिला था उस समय। तो फिलहाल 2004 के बाद कुछ फैमिली कंडीशन कुछ इस टाइप से रही मेरी कि मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गया था, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। तो 1 साल के बाद मैंने 2005 में रिसर्च में एंटर किया। रिसर्च मतलब 2004 में मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी एमटेक करने की, पीएचडी करने की आईआईटी से। तो फिलहाल मैंने सबको नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को पास कुछ पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे आ गई थी, मैं नहीं कर पाया था। 2005 में मैंने फिर रिसर्च स्टार्ट की, रिसर्च करने की मैंने छोटी सी जॉब ज्वाइन की एज ए JRF जूनियर रिसर्च फेलो, 8,000 की फेलोशिप मिलती थी, उसमें मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की। रिसर्च किस में की मैंने, किया GPS। तो आप देखते हो GPS ये कब की बात है, 2005, मैंने 2005 में GPS समझ लिया था। उस समय लाइका के इंस्ट्रूमेंट आते थे, लाइका के इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया। करीबन करीबन मैंने 1 साल और 1 महीना मैंने उस पर वर्क किया, काफ़ी अच्छे से GPS को समझने लग गया था, काफ़ी फील्ड पर था GPS को लेके, माउंटेन्स पर चलना फिरना काफ़ी लंबा समय रहा मेरा वहां पर। तो 1 साल मैंने काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 2006 के दौरान मेरी क्या हुआ, मैं फिजिक्स से था और अच्छे खासे पढ़ा पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को मेरी जो निकलती थी नेट निकल गई, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑन लेक्चरशिप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप फिजिक्स में निकल गई, और साथ में SPM की कॉल हुई। अब श्याम प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप आप सब जानते हो, हालांकि वही सेम पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं दे पाया ज्यादा। तो फिलहाल मेरे पास नेट थी, JRF के साथ थी, मेरे को फेलोशिप मिल सकती थी। मैंने फिर क्या किया, इस जो कि मेरा कोई पैशन नहीं था GPS की तरफ, को कुछ पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया था। तो मेरे पास जब खुद की फेलोशिप थी तो मैंने GPS में काम छोड़ के तो मैं चला गया अपने वापस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो मैंने क्या किया, 2006 में ज्वाइन किया एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर नाम बताऊंगा तो ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो मैंने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने जनरली जो आपको बताया ना, ये सारा रिसर्च वर्क जहाँ पर फैब्रिकेशन ट्रांजिस्टर LEDs इन सब को मैंने फैब्रिकेट किया, इस पर नहीं फैब्रिकेट किया तो डिज़ाइन किया, कहीं पर मैंने हेल्प की, साथ में कंप्यूटर्स के बारे में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन की। तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, और मुझे करीबन करीबन 2010 में PhD डिग्री अवार्ड हुई। तो मेरी PhD डिग्री किसमें मिली थी, साइंसेस में, पर विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो और इसी बेसिस पर मुझे 2011 में एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब मिल गई। तो फिलहाल ये तो रहा मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, हालांकि मेरा जो कॉलेज है काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट करता है, काफ़ी आपको स्ट्रेंथ में बता चुका हूँ कितने स्ट्रेंथ है हमारे कॉलेज में, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ 5,000 से 6,000 स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। तो फिलहाल मैं आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्ल से दिखने में कैसा हूँ, हालांकि अगर मैं एक और यूट्यूब में आ गया तो बहुत जल्दी से इन काफ़ी के नज़र में आ जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी शक्ल की वजह से इस चैनल को कोई देखे, तो हालांकि मैं कोशिश करूंगा। हालांकि हमारे जो कॉलेजेस वाले होते हैं हम लोग काफ़ी वर्कशॉप या सेमिनार ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर, अभी तो नहीं, इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं कुछ कोशिश करूंगा कि एक कोई कॉन्फ्रेंस टाइप की या वर्कशॉप टाइप की बेस्ड अपॉन दिस यूट्यूब, जो मेरा यहाँ से फंड जनरेट हो रहा है, हालांकि मैं आपको फंड भी दिखा दूंगा, तो मैं फंड थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, हालांकि मैं इन डिटेल्स नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था करीबन करीबन 2003 में, और जो मेरे मेन मोटिवेटर्स थे यूट्यूब के, मैं अगर आपको यूट्यूब पे दिखा देता हूँ, हालांकि मुझे कोई ज़्यादा यहाँ पर प्राइवेसी रखने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो कि क्या है।
अब YouTube में देख सकते हो मेरे पास है टोटल करीबन मिला के 396 वीडियोस। आप देख सकते हो वीडियोस की देखा जाए तो उतनी अच्छी पॉपुलरिटी नहीं है, मेरा चैनल उतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहली बात आप समझ गए होंगे कि मैं अपना बाई फेस आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। इनिशियली जो आप देख सकते हो कि मेरे मेरे पुरानी वीडियोस थी इस चैनल के ऊपर, उनको कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, जो मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी जो मैं बचपन से फेस करता आ रहा हूँ, हालांकि मुझे ऐसा नहीं है कि कोई मैं स्टडीज में काफ़ी घटिया स्कूल से घटिया कॉलेज से पढ़ा हूँ, जितने भी कॉलेज के नाम पे आप यहाँ से मैंने पढ़ा हूँ, आप समझ सकते हो कि अगर SPM के लिए मुझे कॉल हो रही है तो मैं काफ़ी बढ़िया कॉलेज से ही पढ़ाऊंगा करके। तो मेरी जो हाई स्कूल इंटरव्यू थी वो मेरी काफ़ी बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल से थी, बोर्डिंग स्कूल से थी, मैं काफ़ी बढ़िया स्कूल से पढ़ा हूँ। तो पर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, मैं पहले हिचकता था आवाज़ में, कुछ प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं पंजाब में किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ तो थोड़ी पंजाबी का लहजा भी मेरे मुंह में रह गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अटकता हूँ। काफ़ी सारी एडिटिंग करनी पड़ती है मुझे अपनी वॉइस के लिए, काफ़ी चीज़ें मैं मिस प्रोनाउंस कर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन मुझे पता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, पर मेरे को जो गले में मेरा जो टंग है थोड़ा सा फिसलता था बचपन से, थोड़ी दिक्कत आई है मेरे साथ, तो उसकी वजह से मैं प्रोनाउंसिएशन मुझे भी पता है गलत है, हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट मेमोरी है जो भी कह सकते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है। तो फिलहाल उसी वजह से मैंने जो स्टार्टिंग में अपनी वीडियोस जो इसमें अपलोड की थी इंग्लिश में वीडियोस थी, तो हालांकि आप हिंदी में देख सकते हो मैं काफ़ी अटकता हूँ काफ़ी जगह, हालांकि आपको दिखता नहीं होगा कि मैं उसको स्किप कर देता हूँ या उसको कट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी समय से मैं इस चैनल पर चला रहा हूँ, अगर आप मेरी टोटल इनकम देखना चाहो तो मैं उसको दिखा देता हूँ, हालांकि ऐसा कोई आपसे छुपाया नहीं रखा है, जो भी मेरी इनकम यहाँ से होती है मैं एज इट इज़ इवन मैं अपने मंथ की सैलरी का भी बहुत सारा पोर्शन इस यूट्यूब पर डालता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा इसमें बेनिफिट तो नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि ये मेरी है मार्च मंथ की टोटल रेवेन्यू, देख सकते हो मैं करीबन करीबन 9,000 रुपये कमा चुका हूँ, ये 24 तारीख तक का डाटा अपडेट हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो मेरी अभी तक 24 तारीख तक करीबन करीबन व्यूज हुए हैं इसमें हुए हैं 168,205, तो करीबन करीबन मैंने 1,224 सब्सक्राइबर इस मंथ में गेन किए हैं, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है। और टोटल सब्सक्राइबर की अगर मेरी बात की जाए तो मैं इसको दिखा देता हूँ अभी, तो अभी फिलहाल मेरे पास टोटल सब्सक्राइबर हैं 11,800 कुछ है, मैं आज सुबह देख रहा था, तो करीबन करीब 11,862 सब्सक्राइबर हैं। चैनल बहुत पुराना है ऐसा नहीं, अगर मैं इसको देखा जाए तो चैनल की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो अगर देखा जाए रेटिंग में बी नेगेटिव मिलता है, बहुत सब्सक्राइबर रैंक में भी सबसे नीचे है और वीडियो व्यू रैंक में भी काफ़ी नीचे है। मेरी मंथली इनकम जहाँ पर जो दिखा रहा है $50 से लेकर $777 तक हम लोग कमा रहे हैं करीबन करीबन, हालांकि इस डाटा पर मत जाइए क्योंकि मेरे जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस YouTube चैनल से, हालांकि हिंदी की वजह से अभी थोड़ा सा मेरे को मार्जिन यहाँ पर व्यूइंग पॉइंट्स जो मैं जो आप देख रहे हैं टोटल वीडियो व्यूज ये थोड़ा ज़्यादा मिले हैं। पर फिलहाल अगर मैं इसमें देखा जाए, अगर मैं अपनी टोटल चैनल की CPM की बात करता हूँ, अगर देखा तो जो मेरी इंग्लिश में भी वीडियोस थी उन पर मुझे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है एज कम्पेयर टू जो मेरे अभी हिंदी की वीडियोस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हिंदी वीडियोस हैं वो सिर्फ इंडिया में ही चलती हैं और इंडिया में अगर आप इस वीडियोस को देखते हो तो आपको जो मुझे जो CPM मिलता है उसकी वजह से वो काफ़ी कम है। CPM का मतलब कॉस्ट पर थाउजेंड, तो कॉस्ट पर थाउजेंड यहाँ पर करीबन 100 या 200 रुपये मिलता है, जो अगर मैं बाहर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उसमें मुझे 1,000 रुपये भी मतलब 1,000 व्यूज़ के 1,000 रुपये से भी ज़्यादा मिलते हैं और इंडिया में सिर्फ 100 रुपये, तो इस वजह से मेरा थोड़ा रेवेन्यू यहाँ पर कम हुआ है। हालांकि ये रेवेन्यू 20-22 हज़ार भी कभी हुआ करता था जब मैं आपको काफ़ी बड़े फ़ोन का टीयर डाउन या तोड़ फोड़ के भी दिखा देता था कई बार, तो उस समय की बात है। हालांकि भी पिछले 6 महीने पहले मैं काफ़ी बड़े फैमिली ड्रामा में फंसा और काफ़ी ज़्यादा मेरे को नुकसान हुआ, मेरे क्रेडिट कार्ड से करीबन करीबन 3 लाख रुपये तक किसी ने उड़ा लिए, चोरी हो गई मतलब कैसे मान के चलो, काफ़ी मुझे जानता भी हूँ मैं कौन चोर है, हालांकि उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जब अपने ही चोरी कर लेते हैं आपसे तो उसमें अब मैं किसी से क्या कंप्लेन करूं, हालांकि मेरी भी गलती थी, गलती तो उनकी भी थी पर मेरी भी गलती थी, तो मैंने फिलहाल इग्नोर किया। हालांकि मैं करूंगा कोशिश कि मैं इसका भरपाई कर पाऊं, फिलहाल मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में या जिस कॉलेज में पढ़ा था मुझे काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। मेरा CTC की बात की जाए तो मेरा CTC कॉलेज का है करीबन करीब 12 लाख पर ईयर, तो 12 लाख काफ़ी बड़ी रकम होती है, मुझे कुछ ज़्यादा आपसे यूट्यूब से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो फिलहाल ये रहा मेरा एक तरह से इंट्रोडक्शन, मुझे हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर स्किप कर गया मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन लगी हुई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ या जो मुझसे पढ़ चुके हैं जिनको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो जाने कि मैं यूट्यूब ही चलाता हूँ और वो मेरे खाली का एक तरह से मुझे बेनिफिट देने के लिए इस वीडियोज़ पर क्लिक करें या रेवेन्यू जनरेट करवाएं, तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ। फिलहाल जब तक मैं इस कॉलेज या टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि जो मेरी टीचिंग और यार मेरा YouTube में जो टेक्निकल जो मेरा टेक्निकल जो इंटरेस्ट है वो कभी आपस में एक दूसरे के आड़े ना आए,
YouTube अलग से चलता रहे, जो मेरा टेक्निकल इंटरेस्ट है वो अलग से चलता रहे। हालांकि इससे कोई बेनिफिट हो जाता है स्टूडेंट्स को तो मैं उसका पूरा बेनिफिट देता हूँ। जैसे कि कभी उस किसी स्टूडेंट्स को जीपीएस बेस्ड प्रोजेक्ट है उनमें कुछ हेल्प कर दी, कहीं पे किसी रिसर्च में हेल्प कर दी, मैं वहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ, आपकी भी हेल्प करता रहूंगा। पर फिलहाल मैं नहीं चाहता हूँ करके कि कोई दोनों के बीच में आपस में कोई कोलैप्स हो। अब इस रेवेन्यू की बात करते हैं, ये रेवेन्यू इतना बड़ा नहीं है कि मैं इससे कोई बहुत बड़ी सेविंग कर पाऊँ या बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर पाऊँ कि मुझे आईटीआर भरने में दिक्कत हो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी की सारी इनकम जो यहाँ से होती है उसको मैं एज इट इज फिर यूट्यूब पर लगा देता हूँ। हालांकि मुझे अपनी सैलरी से भी काफी 20 या 30% डोनेट या 20 का मैं इवन 40-50% भी डोनेट डालता हूँ इस यूट्यूब में, ताकि आप लोगों को ज्यादा ज्यादा आउटपुट दे सकूँ। हालांकि आप देख सकते हो कि जो मेरी इनकम है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि मैं H7H को अफोर्ड कर पाऊँ। फिलहाल मेरी जो सैलरी है CTC है वो काफी ज्यादा हाई है, तो मैं वहां से अफोर्ड कर सकता हूँ। तो वहां से मैं अफोर्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तोड़ तोड़ता हूँ, फोड़ता हूँ, खराब भी जाते हैं कई फोन्स, तो फिलहाल मैं उसको झेल जाता हूँ क्योंकि मेरे पर अभी कोई बहुत बड़ी लाइबिलिटी नहीं है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक तरह से छोटा सा इंट्रोडक्शन। हालांकि मुझे लगता है आप लोगों को काफी ये पसंद आया हो, क्योंकि मैं अभी भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली मेरा पूरा नाम और मेरा चेहरा। तो फिलहाल मैं क्या कहूँगा आपसे करके कि कुछ मेरी मजबूरियां हैं। तो दोस्तों इसी मजबूरियों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप, ये हालांकि मैं थम्स बना नहीं पाऊंगा, थम्स अप दे दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्रिप्शन लिंक आप यहाँ पर देख चुके होंगे, ये सब्सक्रिप्शन लिंक रहा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे आने वाली किसी भी अन्य तकनीकी वीडियोस, गैजेट्स रिव्यूज और मोबाइल फोन रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको परेशानी हो रही हो किसी भी टेक्निकल गैजेट्स में, किसी भी इवन मैं कहता हूँ अगर आपको रिसर्च में भी, अगर आप चाहते हो कि कुछ PhD करना या कुछ रिसर्च वर्क करना या एमटेक, आपके एमटेक के प्रोजेक्ट्स हो गए, बीटेक के प्रोजेक्ट्स हो गए, किसी टाइप की कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे, हालांकि मैं इतना ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास भी कुछ लाइबिलिटीज रहती हैं थोड़ी थोड़ी बहुत ही स्टूडेंट्स की, तो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल कोशिश करूंगा कि आपकी हर किसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।